वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं अनस के, तो आप भाई से पूछेंगे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, तो पूछ लेते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट? बहुत जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट भी और नौजवानों का जोश देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरा इलाका गूंज उठा है यहाँ पे एक हेल्दी एक्टिविटीज से। जमात इस्लामी की हर वक्त हमतन हर एक्टिविटीज़ में लोग शामिल हैं नौजवानों की के साथ मिलकर, तो एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे जमात इस्लामी यूथ, जमात इस्लामी दरस कुरान की महफिलें भी जमा रही है, अफ्तार और डिनर के अहतमाम भी है, तो तीसरी तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट भी बड़ी तादाद में हो रहा है, जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और सियासत भी चल रही है, और ये सियासत जो है हमारा ईमान का हिस्सा है कि इसके ज़रिए से भी हमें नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नसीद खान भाई की सरबराई में ये इनकी लीडरशिप है, माशाल्लाह कोई सैकड़ों की तादाद में नौजवान इनके अंडर चल रहे हैं। फिर हम्माद भुट्टो भाई हैं जो इलेक्शन के में चेयरमैन के तौर पे भी लड़े और माशाल्लाह बहुत अच्छी लेवल के वोट इन्होंने लिए भी हैं माशाल्लाह। तो भाई ने अभी बता दिया जैसे कि आप लोगों को, और यहाँ पे टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो गई है, सेकंड मैच, पहली मैच में तो हमने बहुत अच्छी कर लिया, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, तो आपको बता देते हैं जो कि इंशाल्लाह अब तक आएंगी भी और इनके उनकी तमाम होगी। हमें दोनों टीम से मुल्तवी समझूं, जल्द से जल्द मैच के आगाज की जाए। यहाँ पे हो जितने नौजवान हो वो सिर्फ क्रिकेट से ना जुड़े बल्कि जमात इस्लामी से जुड़े, जमात इस्लामी यूथ से जुड़े, इन लोगों से यहाँ पे नसीद भाई और दीगर लोग मौजूद हैं, इनसे किताबें भी जमात इस्लामी की फिक्र की लें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक इस्लाम से जोड़े, ताकि आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर से बेहतर हो इंशाल्लाह। तो हमारे बड़े क्रिकेटर और काउंसलर कला भाई भी मौजूद हैं ग्राउंड में आ रहे हैं और इनकी मौजूदगी में हम टॉस का आगाज करेंगे, तो भरपूर तालियों में जब तक यहां तक ना आ जाते तालियों की जोर शोर में हो यहां पर नेता गया यूथ की तरफ से हमें किस चीज का रियाज भाई से दो गुफ्तगू करवा लें, फिर वो एक दो गेंदे खिलवाएं। रियाज भाई ठीक है, रियाज भाई सबसे पहले तो तमाम शुरका भरपूर तालियों में एक बार फिर बताइए कि आपकी शिरकत हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है, कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर इस इलाके के यूथ की हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आपको खुश आमदी इस टूर्नामेंट में। अगर आप थोड़े से अल्फाज, थोड़ा सा हौसला अफजा वर्ड्स हमारे यूथ के लिए जो आज यहाँ पे जमे कहेंगे तो यूथ के लिए बहुत हौसला मंद होगा। खामोश मेरे दोस्तों, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जी सिंध। दोस्तों इस टाइम पे जितने भी नौजवान खड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, इनको मैं वेलकम करता हूं, और इन नौजवानों के लिए ही आज इनको देखकर मेरी इतनी दिल खुश हुई है। यकीन करो कि ये दिन मैं चाहता था और इस जगह के लिए खास तौर पे जब इस जगह पे हमला किया गया था, दीवारें निकल रही थी, तो मैंने यहाँ पर दीवार बन के खड़ा हो गया। तालियां भाई, तालियां। और जो यहाँ पर थे उन्होंने मुझे जो धमकियां दी, जिस तरीके से मेरे साथ रवैया जो अख्तियार किया, तो मेरा ख्याल है मेरे होटल के आगे सिर्फ रेंजर्स की गाड़ियां ही गाड़ियां थी, उठा कर ले गए। उसके बाद भी मैंने पीछे पांव नहीं किया और वही हिम्मत थी जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम पे खुले दिल से सब खिलाड़ी नौजवान जमा हो और ये कामयाबी रियाज खेमटियों की, सिंध अवामी सब की नहीं समझूंगा, ये आप नौजवानों की मैं समझूंगा कि ये आप लोगों की कामयाबी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रियाज भाई। अब हमारे दरमियान इस इलाके की यूथ के रूए रवा, हर दिल अजीज, इस शहर की यूथ की जान हम्माद भुट्टो भाई मौजूद है, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा।
जमात भुट्टो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ जमात इस्लामी की शिनाख्त नहीं है इनकी, बल्कि इस इलाके का हर बच्चा बच्चा इनकी खिदमात का मुतरफ है। हमाद भाई आज थोड़े से कलमात इस टूर्नामेंट के आगाज में इस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ریاض علی کھیمٹیو صاحب ہمارے دوست بھائی مہربان آج کے اس بہترین پروگرام کے منتظم اعلی برادرم نصید اللہ خان محترم طلحہ عنایت منتخب کونسلر امیر علی تنیو سجاد لار اور حسان بھائی آپ تمام نوجوان اور ہمارے نوجوانوں کی جان نظر کھیمٹیو اور میرے تمام عزیز نوجوانوں سب سے پہلے میں جماعت اسلامی یوتھ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نصید اللہ خان اور ان کی پوری ٹیم کو میں شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے زبردست انتظامات کے ساتھ یہ ایونٹ منعقد کیا ہے جیسے میرے بھائی ریاض کھیمٹیو نے کہا کہ یہ جو پارک یا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ حقیقت میں نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز ہے اور اس گراؤنڈ کو آج کے اس ایونٹ تک پہنچانے میں جس جس نے بھی کردار ادا کیا ہے اس میں ہمارے ریاض بھائی کا بھی بہت شاندار کردار ہے میں ریاض بھائی کو بھی اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ ایونٹ کسی ایک کا نہیں ہے یہ سب نوجوانوں کا ایونٹ ہے پوری یوتھ کا ایونٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہاں پر کھیل کھیلا جائے گا یہاں پر جب خوشیاں بانٹی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم سب مل کے خوش ہوں گے میرے بھائیوں और हमाद भाई को एक बैट दे दे। बैट दो, बैट दो भाई। बैट दो, बैट। बैट वे, बैट लावर। बोल। चलो भाई। बोल भाई। बेटा थोड़ा सेट हो जाओ। हाँ। नो। नेकी पर करा। अच्छो हमारे साथ आओ। अरे नौ जवान सुलेख में अरे
मैदान और टूर्नामेंट शुरू करवा आप जानते हैं मैं हूँ एनएस के ब्लॉक। तो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले क्रिकेट टास्क होगा, अभी उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो आप लोगों को तो बताते हैं माशाल्लाह बहुत रौनक है और फर्स्ट टूर्नामेंट है यहाँ पे इंशाल्लाह। और हमारे भाई खड़े हुए हैं तो पता क्या बोला जाता है, अभी इससे पूछ लेते हैं। माशाल्लाह से अभी हमारा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और टास्क हो गया इंशाल्लाह। क्या होता है, कौन जीतता है टास्क? चले मैं जीत के आ गया सर, मैं जीत गया भाई। एक बॉल भी और बैट्समैन था और उस पर इंशाल्लाह इस मैच में बरकत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ चलें इंशाल्लाह। आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज होती रहे जमात इस्लामी यूथ के ऊपर। स्टार्ट है उस प्रोसेस का, उस जर्नी का, उस सफर का, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारा आगे तक जारी रहेगा। मैं अभी सलमान भाई हमारे दरमियान मेरे साथ खड़े हो जाए, गाने टाइगर के कप्तान सलमान भरपूर तालियों में सलमान कीजिएगा। हाजी सर हमारा कप्तान है माशाल्लाह। अच्छा फ्यूचर स्टार के कप्तान, अच्छा क्या नाम है? फ्यूचर स्टार के कप्तान हस्तैन के लिए भी भरपूर तालियां। अहमद भाई ओके मुझे आप ज्वाइन करेंगे इसका।